मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये स्लोगन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का है, जो हाल ही में उन्होंने दिया है। दरअसल जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे यहाँ पर सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। जहाँ एक तक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी चुनाव में इस बार 40% महिला उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी हैं, तो वहीं बीजेपी महिला विधायक रजनी तिवारी महिलाओं की शक्ति याद दिलाते दिलाते गणेश आरती पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आप खुद ही सुन लीजिए। हम लोग कहते हैं जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाती पार्वती पिता महादेवा, अंधेर को आंख देते कोढ़िनी को काया, बाजी को पुत्र देते निर्धन को माया। हम लोग ये क्यों नहीं कहते कि अंधे को आंख दे कोहिन को काया, बाजी की कोक धरो। ये हम खुद की बात क्यों करते, बाजी की कोक धरो निर्धन को माया, वो भी चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, हमारा ही अंश है, हमें पुत्र है। हम ये कहें कि बाजी की कोक धरो निर्धन को माया। ये संकल्प लेकर की हमारी बहनें यहाँ से जाएंगी, आप लोग जाएंगी यहाँ से संकल्प लेकर के। आपको ये संकल्प लेना होगा अपने लिए ही, आपको संकल्प लेना होगा अपनी बेटी के लिए, आपको संकल्प लेना होगा अपनी बहू के लिए, और ये संकल्प किसी दूसरे के लिए नहीं, ये हृदय संकल्प हमारा अपने लिए खुद के लिए है। हम लोगों को याचना करते हैं कि हमको मजबूत करो, हमको सशक्त करो। अरे हमको क्या जरूरत, नारी हमेशा से सशक्त रही और हमेशा सशक्त रहेगी, इसीलिए नारी नारायण कही गई। यूपी की शाहबाद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रजनी तिवारी नारी ही नारायणी है का पाठ पढ़ा रही थी, मगर गणेश आरती में बदले गए शब्दों को लेकर सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि इस बार के यूपी चुनाव में राजनीतिक दल महिलाओं पे बड़ा दाव खेलने का मूड बना रही है। तभी तो प्रियंका गांधी पहले ही महिलाओं को लेकर बड़ा दाव खेल चुकी है और 40% महिला उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है, क्योंकि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में करीब 100 से ज्यादा महिला उम्मीदवार मैदान में उतरी थीं और इनमें से करीब 41 महिलाएं विधानसभा पहुंची थी। इनमें से सिर्फ 4 को ही योगी सरकार ने मंत्री बनाया था। फिलहाल इस वक्त योगी कैबिनेट में कोई भी महिला मंत्री नहीं है, हालांकि 3 विधायकों को राजमंत्री का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में राजनीतिक दल महिलाओं पर बड़ा दाव खेलना चाहती है। बता दें कि एक आंकड़े के मुताबिक यूपी के कुल 14.61 करोड़ वोटरों में से 6.70 करोड़ वोटर्स महिलाएं हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव का ट्रेंड देखें तो यूपी के एक तिहाई से ज्यादा जिलों में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से कहीं ज्यादा था। खास तौर पर बुंदेलखंड, पश्चिम और पूर्वांचल के कई जिलों में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में वोट देने में ज्यादा भागीदारी निभाई। ऐसे में यूपी की सत्ता हत्याने प्रियंका गांधी ने महिलाओं पे बड़ा दाव खेला है, तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में इतिहास रचने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटी है। अब आने वाला वक्त तय करेगा कि अवध एहताज का सरताज कौन होगा। हरदोई से लोकल वोकल के लिए सौरभ त्रिपाठी की रिपोर्ट।